आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड क्रांति दल से अलग हुए हैं शिव प्रसाद सेमवाल, जो एरी गुट है, जो जिन लोगों ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया, उनका ये कहना है कि अराजकता फैलाई जा रही थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से देहरादून के भीतर अलग अलग मुद्दों को लेकर यूकेडी की जो मुखरता दिखाई दे रही थी, उसके सूत्रधार भी शिव प्रसाद सेमवाल ही थे। इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ आरोप भी अलग अलग तरह के सोशल मीडिया में लग रहे हैं। सेमवाल जी, यूकेडी से बाहर है अब क्या रहने वाला है आपका भविष्य? और आपका, मैं सोशल मीडिया में एक देख भी रहा था जब आप लाइव में बैठे थे, तब आपने कई बातें कही थी कि बहुत सारे ऐसे सबूत आपके पास हैं, अगर आप उनको सामने रख देंगे तो कई लोगों का बुढ़ापा ख़राब हो जाएगा। क्या है मसला? देखिए, ऐसा है कि हम लोग जो कोई भी पार्टी है, इफ एंड बट 19-20 सभी जगह होता है, सारी पार्टियों में होता है, आज का चलन ही ऐसा है। और जो डिटोरेशन है, ये सभी जगह आया है और सारी संस्थाओं में आया है लोकतंत्र की, तो पॉलिटिक्स भी उससे अछूता नहीं है। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल में जिस तरीके से चीज़ें चल रही थी, उसको लेकर के मैं पिछले 2 साल से सवाल उठा रहा था। तो पहले तो मैं दांत के दर्द की तरह सहता रहा, फिर हमने कहा यार थोड़ा सा लिहाज कर लेते हैं, लिहाज के कारण चुप रहे। फिर वो जो गर्म दूध की तरह है, उसे बताते रहे कि यार हम पार्टी के अंदर हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं कि बाहर के हैं, तो अगर रायता जितना बिखेरेंगे हम पार्टी में, तो हम ही को समेटना पड़ेगा। तो इसलिए मैं नहीं चाहता था कि इन चीज़ों को, तो मैंने बहुत कोशिश की कि इंटरनल लेवल पे अपने जो शीर्ष नेतृत्व है वो हमारी बात को या तो माने या फिर तर्कसंगत बात करें। हमने उनसे कहा कि अगर हम गलत हैं तो हमें बता दीजिए हम गलत हैं, हमें समझा दीजिए, और अगर हम गलत नहीं हैं तो एटलीस्ट कोई भी लॉजिक तो दे दो, कम से कम कोई लॉजिक तो हो, उसको मानना न मानना अलग बात है, लेकिन कोई लॉजिक ही नहीं है। उन्होंने कहा कि साहब 24-25 जुलाई को अधिवेशन होगा, जबकि हमारा अधिवेशन 24-25 मई को होता है, और संविधान में है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने तक टाला जा सकता है, तो 24-25 जुलाई को हो गया। जब हम गैरसैन में इसके अधिवेशन की फाइनल वो कर दिया था कार्यकारिणी ने, और जब हम लोग वहाँ पे बुकिंग वगैरह सब फाइनल कराए, तो ऐन मौके पर उन्हें लगा कि भाई इससे तो जो उनके अपने कैंडिडेट हैं वो चुनाव हार जाएंगे, तो उन्होंने अधिवेशन नवंबर में लास्ट में जो है शिफ्ट कर दिया। तो हमने पूछा कि जब बुकिंग हो गई, सब कुछ आपके अनुसार हो गया, 4 बार बैठक हो गई, 4 बार आपने फाइनल कर दिया, अब अचानक से क्या हो गया? तो बोले बरसात है। तो हमने कहा भाई कांग्रेस को सुना था कि ठंड से डर लगता है, यूकेडी को कब से बरसात से डर लगने लगा? और अगर यूकेडी को वहाँ बरसात से डर लग रहा है, तो भाई जो वहाँ लोग रह रहे हैं वो किस हालत में होंगे, कभी आपने उनकी भी सुनी? और चलो कोई बात नहीं, अगर बरसात कारण है तो भाई 24-25 जुलाई के बजाय आप 24-25 अगस्त कर लो, सितंबर 1st वीक कर लो, सितंबर 1st वीक के बाद बरसात विदा हो जाती है। तो हमने कहा भाई क्या कारण है नवंबर लास्ट में करने का? तो कोई कारण नहीं है, उन्होंने कुछ बताया नहीं। फाइनली ये हुआ कि साहब हमारी मर्जी है, हम सीनियर हैं या जो भी है। फिर किसी को दूसरे को पूछा कि भाई क्यों कराया, तो बोले भाई तुम्हारे डेलीगेट्स फर्जी हैं, तुम्हारे जिला अध्यक्ष फर्जी है। मैंने कहा हमारे कहाँ से हो गए भाई जिला अध्यक्ष डेलीगेट, हम तो एक कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष डेलीगेट फर्जी हैं तो जिन्होंने बनाए उनसे पूछो, आप केंद्रीय नेतृत्व हैं, आप पे सवाल खड़े होते हैं, अगर वो फर्जी हैं और जब चुनाव हो रहा है तब अचानक फर्जी रहोगे, जब आपने डेट डिसाइड कर दी, सब कुछ बुकिंग हो गया, जब 4 दिन रह गए तो अचानक आपको संज्ञान आ रहा है कि फर्जी है, जिला अध्यक्ष फर्जी हो गए, डेलीगेट फर्जी हो गए, तो आप कौन से असली हो? जो हमारे शीर्ष नेतृत्व जो ये सवाल उठाने वाले थे, जो बोल रहे हैं कि डेलीगेट फर्जी हैं, वो खुद वो सक्रिय मेंबर तक नहीं है, खुद सक्रिय मेंबर नहीं है, आज की डेट में खुद पार्टी के प्राथमिक सदस्य नहीं है, और वो दूसरों पे सवाल उठा रहे हैं कि डेलीगेट फर्जी है। आप ठीक है, आप एक चुनाव भी चाह रहे थे, पार्टी का जो संविधान है, अधिवेशन भी होना चाहिए था, गैरसैंण में ही होना चाहिए था, विपरीत परिस्थिति में होना चाहिए था, इसलिए तो उत्तराखंड क्रांति दल दूसरे से अलग होता है जब वो विपरीत परिस्थिति में भी काम करते हैं। सवाल ये था कि क्या आप लोगों ने गलती कर दी, जिस तरह से, क्योंकि केंद्रीय अध्यक्ष तो काशी सिंह ऐरी थे, आप लोग जो अपनी आवाज़ उठा रहे थे, आप अपनी आवाज़ रख रहे थे, उसको उठाने में आप लोगों ने गलती कर दी, क्या कोई गलत निर्णय लिया इस वजह से तो आप लोग पार्टी से ही बाहर हो गए? जैसे 40 सालों से चलता आ रहा है, वो किसी को भी अड़का देते हैं, धमका देते हैं, तो उन्हें लगा होगा कि मैं भी चुप हो जाऊँगा। लेकिन भैया अगर ऐसी चुप होना था तो भी त्रिवेंद्र राज में चुप रह लेते, हम जेल क्यों जाते? अगर समझौता करना होता तो त्रिवेंद्र जी के टाइम पर करते, जब हम 57 दिन जेल जाना मंजूर कर सकते हैं, तो भाई क्या ये यूकेडी में कोई शायद लगा हुआ था? फिर हम भी कांग्रेस भाजपा ज्वाइन करते, आराम से समझौते में रहते तो जी लेते अच्छे से, पर अगर हमने यूकेडी ज्वाइन किया किसी मकसद के लिए तो उनको समझनी चाहिए थी, वो बात उन्हें गलत पड़ी, और जब ये सारी चीज़ें बिखरी तो अब वो सारे चीज़ों को मानने को तैयार हैं। मुझे उम्मीद है कि चाहे तो मेरा बलिदान लेकर के या मुझे निकाल करके भी अगर सिस्टम ठीक होता है तो मुझे खुशी होगी।
तो क्या कोई बातचीत हुई है, वापस जाएंगे उत्तराखंड क्रांति? मेरा वापसी का अभी तक कोई मामला नहीं है। हमारे तमाम कार्यकर्ताओं का भी है कि हम लोग एक नई पार्टी बनाएं, और जो भी कार्यकर्ता मेरे कहेंगे, जो भी हमारे लोग कहेंगे, हमारे उत्तराखंड के शुभचिंतक कहेंगे, जिनकी दुआओं की बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ, जिन्होंने मुझे एक पहचान दी पत्रकारिता से लेकर अब तक, उनसे राय मशवरा लेकर के ही मैं फाइनल करूँगा। नई पार्टी के गठन का आप सोच रहे हैं, तो वो क्या उत्तराखंड क्रांति दल से टूटे हुए लोग होंगे, कांग्रेस, बीजेपी, कैसे लोग होंगे? लोग नहीं होंगे, जो भी स्वस्थ मन से, खुले मन से, खुले विचारों के साथ आएगा, उस सबका स्वागत होगा। एक सवाल मेरा और है सिमवाल जी, सोशल मीडिया में भी उठ रहा है, बहुत जगह इस तरह की बातें उठ रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ, उमेश कुमार का नाम आ रहा है, ये कहा जा रहा है कि उमेश कुमार जो कि खानपुर से विधायक हैं, उन्होंने सुपारी दे दी थी सेमवाल जी को, और कि उत्तराखंड क्रांति दल को ध्वस्त कर दीजिए। मेरी बात तो सुनो, आप मेरा व्हाट्सएप अकाउंट उठा लो, CDR निकाल लो, कॉल लोकेशन ट्रेस कर लो, अगर पिछले 6 महीने से मेरी एक भी मुलाकात किसी से हुई हो, मेरे किसी कार्यकर्ता की भी हुई हो, मेरे किसी जानने वाले चाहने वाले की भी हुई हो, किसी पहाड़ी आदमी की जो टीरी उत्तरकाशी चमोली पौड़ी का हो उसकी भी हुई हो, तो मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूँगा, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ। और जो ये सवाल उठा रहे हैं, वो ये बात अगर अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के एक वीडियो बना के भेज दें कि वो सही कह रहे हैं, तो भी मैं संन्यास ले लूँगा। मैं कह रहा हूँ तुम झूठी कह दो यार, अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के कह दो कि मैं सही कह रहा हूँ, चाहे झूठी कह रहे हो, लेकिन सर संन्यास मैं सचमुच ले लूँगा। मेरा चैलेंज है, मैंने हमेशा चैलेंज दे के बात की है, घंटा घर पर टांग दूंगा, वरना मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई इशू है, अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है घंटा घर पर चलाओ, मैंने हमेशा कहा है स्क्रीन मैं दूंगा, टीवी स्क्रीन, बच्चे के सर पे कसम खा के बोलो, चाहे झूठी कसम खा लेना, और बोलो कि खानपुर विधायक या किसी का भी कोई इसमें किसी का भी कोई सपोर्ट रहा है भारी व्यक्ति का, मैं संन्यास ले लूंगा, मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, चैलेंज है। खानपुर विधायक का अगर बातचीत होती है उमेश कुमार से, क्या दिक्कत? वो एक जुझारू विधायक हैं, वो एक पार्टी इंडिपेंडेंट विधायक हैं, काम करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, उनसे मुलाकात होने में क्या दिक्कत है? अगर वो UKT ज्वाइन करते हैं, BJP ज्वाइन करते हैं, तो वो एक राजनीतिक व्यक्तित्व है, उनसे दिक्कत नहीं है, तो इत्तेफाक की बात कर रहा हूं। अगर मैं, हो सकता है मेरा कल काम पड़ जाए, मैं कल मिल लूं, मैं तो इत्तेफाक की बात कर रहा हूँ कि 6 महीने से नहीं मिला, इत्तेफाक ही तो है भाई, खानपुर की पॉलिटिक्स अलग है, यहाँ पहाड़ों की पॉलिटिक्स अलग है, वो उधर व्यस्त हैं, लोकसभा चुनाव में व्यस्त हैं तमाम जगहों पे, वो दूसरी जगह व्यस्त हैं, मेरा उधर जाना भी नहीं हुआ, उनका इधर आना भी नहीं हुआ, हो सकता था कहीं मिल जाते या मुझे बुलाते या मैं बुलाता तो आ भी जाते, लेकिन ये इत्तेफाक है कि 6 महीने से मेरी उनसे मुलाकात ही नहीं है, बातचीत तक नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, बल्कि इवन ऑफ कि उनका बर्थडे था उस पर तक बधाई तक नहीं दे पाया मैं उन्हें, कुछ समय 3-4 महीने पहले उनका बर्थडे था शायद, उस पर तक बधाई नहीं दे पाया। उमेश कुमार ने भी, उन्होंने भी विरोध किया है इस बात का, उन्होंने खंडन किया है, क्या उन्होंने नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जो आरोप लगा रहे हैं उनको कह रहा हूँ कि भाई झूठी ही सही, तू कसम खा के तो देख जो लगा रहा है, मैं संन्यास ले लूँगा, जो अगर कोई मेरा दुश्मन है, मेरा भला नहीं चाहता और जो चाहता है कि मैं राजनीति में ना रहूं, जो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, वो झूठी कसम खा ले, अपने बच्चे के सर पे एक वीडियो जारी करूंगा, राजनीति से संन्यास 100% मैं लूंगा, झूठी कसम खा लो, इतना चैलेंज कम है क्या? चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे शिवप्रसाद सेमवाल, और साफ कहना है कि जो इस समय कंट्रोवर्सी चल रही है, पार्टी से बाहर कर दिया है, इसलिए कर दिया है क्योंकि एक कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगाया गया, दल को तोड़ने का आरोप लगाया गया, दल के विपरीत जाकर काम करने का आरोप लगाया गया, उसके बाद उत्तराखंड क्रांति दल के शीर्ष नेतृत्व ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस बीच एक कंट्रोवर्सी और होने लगी, सोशल मीडिया पे तमाम जगह ये बात निकल कर आने लगी कि खानपुर से जो विधायक उमेश कुमार, उनका इस सब के पीछे हाथ है, तो उसका जवाब आज इन्होंने दिया, UKD में वापसी नहीं करने वाले, कहते हैं कि एक नए दल का गठन करना पड़े तो उस पर विचार हो रहा है, लेकिन जहां तक बात उमेश कुमार विधायक के इस पूरे प्रकरण में शामिल होने की है, वो सरासर गलत है। कैमरामैन रूपाध्याय के साथ हेमवर्त, जय भारत TV।